शादी में बुलावे से लेकर विदाई तक खरीदारी चलती ही रहती है। इनविटेशन कार्ड्स, तोहफे, कपड़े, गहने, सजावट और भी जाने क्या क्या। क्या नया ट्रेंड चल रहा है ये देखने के लिए आपको बाजार के खूब चक्कर लगाने पड़ते हैं। सास बहू और साजिश खास अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है वेडिंग स्पेशल सेगमेंट, जहां हम आपको दिखाएंगे शादी के सामान के लेटेस्ट ट्रेंड्स, कपड़े, गहने, तोहफे और भी बहुत कुछ। और इस खास सेगमेंट के लिए सास बहू साजिश की रिपोर्टर बनी हैं। एक रिश्ता साझेदारी का में नजर आ चुकी, यानी शिव्या पठानिया। मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनविटेशन कार्ड से, क्योंकि खुशियों का बुलावा भेजने का तरीका भी बेहद खास होना चाहिए ना। हाईटेक होती दुनिया में अब शादी का इनविटेशन कार्ड भी हाईटेक हो गया है। बॉक्स वाले डिजाइन का ये इनविटेशन कार्ड डिस्प्ले के साथ है, जो काफी आकर्षक और हटकर लगता है। बुलावे के साथ अगर आप मेहमानों को तोहफे भी भेजना चाहते हैं, तो एक नजर ये देख लीजिए इनविटेशन कार्ड के साथ सोने के वर्क वाले बादाम। ये सोने का वर्क है आलमंड्स के ऊपर और ये एडिबल है, तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। मतलब इट्स नॉट दैट कि आप इसे खा नहीं सकते हैं। और ये इंसर्ट्स है। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स के डिजाइन भी हैं, जिन्हें मशहूर हस्तियों ने चुना था खास मौकों पर इनविटेशन देने के लिए, जैसे कि क्रिकेटर युवराज सिंह की शादी का कार्ड और सचिन तेंदुलकर की फिल्म की स्क्रीनिंग का इनविटेशन कार्ड। मैं आप सबसे पहले मेरा फेवरेट जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो है सचिन जी की मूवी के प्रीमियर के टिकट्स। एंड आई थिंक मैंने ऐसे टिकट्स तो नहीं देखे हैं। ये बहुत ही सुंदर है। इसका थीम था बीच वेडिंग और ये युवराज और हेजल खींच की वेडिंग के लिए उन्होंने बनाया था। नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी की शादी का जो वेडिंग कार्ड कम और वेडिंग एल्बम ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे उन्होंने मुकेश जी के जितने भी पोइम्स हैं उनको भी लिखा है। हम सब मानते हैं कि किसी भी काम को अगर शुरू करना हो तो गणेश जी के नाम से शुरू करना चाहिए। तो अगर आप गणेश जी की मूर्ति एज अ गिफ्ट दे रहे हैं तो उससे खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया इनका थीम है लोटस, तो अगर आप इनका कार्ड भी देखें इट ओपन्स लाइक अ लोटस, ये एक लोटस की तरह खुलता है। कार्ड्स के बाद चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे नायाब और खूबसूरत तोहफे जिसे पाकर किसी का भी दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर इतने खूबसूरत चांदी के डिजाइन्स हैं और इनकी सबसे खास बात है कि ये निजाम्स के वक्त के डिजाइन हैं, जो कि आज फिर से रिक्रिएट किए जा रहे हैं। साथ में एक और इनकी खास बात ये है कि ये जितने भी डिज़ाइंस हैं ये चांदी की तारों से बनाए गए हैं, और अगर आप इनको क्लोज से देखें तो जो इनकी डिटेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और सबसे पहले मैं अब बात करती हूँ, क्योंकि मैं बार बार इस गाड़ी को देख रही हूँ, ये जो कार है ये एक लिमिटेड एडिशन है, बहुत सुंदर है। आई विश ये मैं अपने घर पर रख सकूँ। और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, इसके पास आप अपनी कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। ये ढोलक नहीं है, ये हल्दी कुमकुम के प्यारे से बनाए गए डब्बे हैं, देखिए।
दुल्हन को कुछ गिफ्ट करना हो तो क्या देना चाहिए? ऑब्वियसली श्रृंगार का सामान। चांदी की कुंभ। देखिए मुझे तो मेरी शादी में यही चाहिए। श्रृंगार की थाली अगर आईने के बगैर अधूरी है तो एक दुल्हन की जिंदगी सिंदूर के बगैर। कि जब वेडिंग्स होती है तो हम एक दूसरे को, मतलब एक फैमिली दूसरी फैमिली को बहुत तरह के गिफ्ट देते हैं, जैसे कि कैश देते हैं, अलग अलग तरह के गिफ्ट देते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा था कि जो रग्स हैं वो हम गिफ्ट करेंगे? नहीं ना। तो ये जो जयपुर रग्स हैं उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं रग्स जो कि बने हैं वूल और सिल्क से। रग्स देखे तो रग्स में जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि आप उसकी यूसेज क्या है। तो ये देखकर मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये अपने घर ले जाऊं तो मैं अपनी वॉल्स भी डेकोरेट कर सकती हूं। आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर आपके घर में भी कोई शादी है तो शॉपिंग के वक्त इन लेटेस्ट ट्रेंड्स का ध्यान जरूर रखिएगा। वेडिंग स्पेशल सेगमेंट में हम कल आपको दिखाएंगे कपड़े और गहनों के नए डिजाइंस, तो देखना ना भूलेगा सास बहू और साजिश का ये वेडिंग स्पेशल सेगमेंट। दिल्ली से कैमरामैन आतिश कांबले के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।